हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शान आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसका नाम है केलपॉल सिरप। इसका कंपोजिशन पैरासीटामॉल है, 120 एमजी का सिरप है, 250 एमजी का भी सिरप आता है, इसका ड्रॉप भी आता है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए तक देखते रहेगा, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका मेडिकल यूज़ क्या है, ड्रग्स इंस्ट्रक्शन क्या है। और पहली बार मेरे चैनल पर आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, आपके हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिल सके नोटिफिकेशन द्वारा। अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में या किसी रोग के बारे में जानना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए जानते हैं पैरासीटामॉल केलपॉल का फुल रिव्यू। अब मैं आप लोगों को बताने जा केलपॉल 120 एमजी का फुल रिव्यू। इसका कंपोजिशन पैरासीटामॉल 120 एमजी का सिरप, 60 एमएल की इसकी बॉटल आती है। ये एंटी पायरेटिक है, एनर्जेसिक है, हाई ग्रेड फीवर को कम करती है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसे बढ़ने नहीं देती। ये एनर्जेसिक माइल्ड मॉडरेट कैसा भी पेन हो, पेन को कम करने का काम करती है, पेन किलर का काम करती है। इसकी प्राइस की बात कर ले तो 3471 की आती है और इसको GSK कंपनी बनाती है, बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। 120 एमजी का सिरप है, इसकी प्राइस देख लीजिए 3471 की। आप कुछ बार्गेनिंग कर ले तो इसमें 10% डिस्काउंट मिल जा सकता है। ये कैसा भी फीवर हो, डेंगू फीवर हो, मलेरिया फीवर हो, चाहे टाइफाइड फीवर हो, कैसे भी फीवर उत्पन्न हुआ, वायरल फीवर हो, कैसा भी फीवर हो, फीवर को कम करने का काम करती है और पेन किलर का भी काम करती है। बदन में दर्द हो, चोट कहीं लग गई उसका दर्द हो, कैसा भी पेन हो, पेन को कम करने का काम करती है। ये बहुत ही अच्छा सिरप है, बहुत ही सेफ सिरप है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ केलपॉल 120 एमजी का डोज़ क्या है। ये 15 एमजी पर केजी पर डे 3 से 4 बार दिया जाता है और इसके खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं शरीर में। ये नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव होने से स्किन में रैशेस पड़ से दाने आ सकते हैं और लीवर डैमेज हो सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो इमिडिएटली दवा को स्टॉप कर दे, अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा का प्रयोग न करें, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दी दूसरे तक ये जानकारी पहुंच सके। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।